अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सारे खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने जा रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो के पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और बहुत अच्छी वीडियो है, इसको शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। यजीज की मौत का क्या दर्दनाक अंजाम हुआ था, जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया था 10 मुहर्रम को, और तमाम साथियों को शहीद किया था और तमाम सहाबाओं को भी शहीद किया था, और हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब को भी शहीद किया था। लेकिन वो वाक़या थोड़ा पहले का था, लेकिन उसमें थोड़ा सा जिक्र है इस वीडियो में कि उमर इब्ने ख़त्ताब जो थे दूसरे खलीफा, उनको भी शहीद किया गया था। और एक ऐसा फितने का दरवाज़ा खुला कि वो आज तक बंद नहीं हुआ और वो अभी क़यामत तक चलता रहेगा। एक ऐसी कौम यजीज जिसने मतलब उसी टाइम जन्म ले लिया था और हमें इमाम हुसैन हुसैन को भी शहीद किया था, लेकिन उसका अंजाम इतना दर्दनाक हुआ कि हम सब इससे इबरत लें और अहले बैत से जो मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत और करें। तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल में नए हों तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ऐ हुज़ैफ़ा, मुझे उन फितनों के बारे में बताओ कि जो समंदर की मौजों की तरह उछाल मारेंगे और बड़े बड़े नेक लोगों को भी अपनी चपेट में ले लेंगे। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको उन फितनों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक उन फितनों का दरवाज़ा बंद रहेगा। ये सुनकर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ऐ हुज़ैफ़ा, उन फितनों का दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ दिया जाएगा? तो हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा और वो दरवाज़ा आप खुद हो। ये इशारा था कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को आगे चलकर शहीद कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाज़े के बारे में जो ये बात पूछी कि आखिर उसे तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा, तो ये इस वजह से पूछा कि अगर दरवाज़ा खोला जाए तो उसे बंद करना आसान होता है, लेकिन अगर दरवाज़ा तोड़ दिया जाए तो फिर वो दोबारा कभी बंद नहीं हो सकता। और फिर आगे चलकर ऐसा ही हुआ कि जिस दिन हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया तो उन फितनों का दरवाज़ा ऐसा टूटा कि आज तक बंद ना हो सका। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आखिरी उम्र में ये दुआ मांगा करते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे 60 हिजरी के बाद लड़कों की हुकूमत आने से पहले अपने पास बुला लेना। लड़कों की हुकूमत से इशारा यजीद की हुकूमत की तरफ था। और ऐसा ही हुआ कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की 59 हिजरी में ही वफ़ात हो गई, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हदीसें जानते थे कि जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जालिम यजीद की हुकूमत की तरफ इशारा किया था। फरमाया था कि आगे चलकर एक जालिम बंदा हुकूमत पर बैठेगा और वो मेरे बच्चों को ज़िबह कर देगा। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कमरे में बैठे हुए हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को सीने से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। इतनी देर में हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कमरे में आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत देखकर दिल तड़प उठा और पूछने लगी कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपको क्या हो गया है? क्या हुसैन को कोई चोट लग गई है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि अभी मेरे पास एक ऐसा फरिश्ता आया था कि जो आज से पहले कभी ज़मीन पर उतारा नहीं गया। उसने मुझे बताया कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपके इस बच्चे हुसैन को आपकी उम्मत ज़बह कर देगी। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि एक काला कुत्ता के जिसके सीने पर सफ़ेद दाग है, वो मेरे इस बच्चे हुसैन का खून चाट रहा है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शिमर की तरफ इशारा किया था कि जिसने करबला के मैदान में हजरत हुसैन का सर काट कर नेजे पर लटका दिया था। शिमर को सफ़ेद दाग की बीमारी थी और वो रंग से काला भी था। सन 60 हिजरी के बाद यजीद मुसलमानों का बादशाह बना। हालांकि वो मुसलमानों का बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं था। इस्लाम में हुकूमत का तरीका खिलाफत वाला रखा गया है, मुलुकियत वाला नहीं। खिलाफत का मतलब होता है कि एक बादशाह की वफ़ात के बाद अगला खलीफा मुसलमान खुद जिसको मुनासिब समझे उसे बनाए, और मुलुकियत का मतलब होता है कि एक बादशाह अपनी वफ़ात के वक्त अपने ही लड़के को अगला खलीफा बना दे। अब वो लड़का चाहे खलीफा बनने के लायक हो या ना हो, जैसा कि आज कल सऊदी हुकूमत में चलता आ रहा है। सन 60 हिजरी के बाद जब हज़रत मुआविया की वफ़ात हुई तो कुछ ऐसा ही मंजर पेश आया और उनका लड़का यजीद हुकूमत का बादशाह बन बैठा। हालांकि उस वक्त यजीद से किसी को ज़ाती नफरत नहीं थी, बल्कि मुसलमानों ने और हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो यजीद के मुखालिफत की थी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यजीद के मुसलमानों के बादशाह बनने की कोई भी सिफत उसमें मौजूद नहीं थी। यहाँ तक कि जब मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के दरबार में उसका जायज़ा लेने गए तो वापस आकर मदीना वालों को बताया कि यजीद एक अय्याशी करने वाला लड़का है, वो रात में शराब पीता है, मुसलमानों का पैसा हराम कामों में उड़ाता है और लड़कियों का शौकीन है।
अब जब यजीद के अंदर इतनी बुराइयां थी तो नबी के नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कैसे इस बात को बर्दाश्त कर लेते कि हमारा बादशाह गुनहगार इंसान बने। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनने का कोई शौक नहीं था, बल्कि उस वक्त के लोगों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को मजबूर किया था कि वो यजीद के मुकाबले अपने हाथों पर लोगों को बैत करे और इस्लामी हुकूमत की बागडोर संभाले। आखिर लोगों के बहुत ज्यादा मुतालबे पर जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से कूफा शहर की तरफ निकले तो यजीद ने एक बड़ी फौज भेजकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के मैदान में बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया और तमाम अहले बैत की औरतों को कैद करके अपने दरबार में पेश किया। यजीद इन अहले बैत की औरतों के साथ भी कुछ बुरा सलूक शुरू करना चाहता था, लेकिन हजरत ज़ैनब के दिल चीर देने वाले खुतबों ने यजीद के पूरे महल को हिलाकर रख दिया। इसीलिए यजीद ने डरकर तमाम अहले बैत की औरतों को जल्दी से मदीना वापस रुखसत कर दिया। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा जिस वक्त मदीना पहुंची तो लोगों को करबला की दास्तान सुनाई और हजरत हुसैन पर होने वाले जुल्म व सितम से आगाह किया, तो उसे सुनकर सारे मदीना वाले यजीद के दुश्मन बन गए। यजीद ने हजरत ज़ैनब को तो मदीना से निकलवा दिया, लेकिन उनकी दिलों को चीर देने वाली आवाज़ ने लोगों में इनकलाब बरपा कर दिया और फिर सन 63 हिजरी में सारे मदीना वाले यजीद के दुश्मन बनकर खड़े हो गए और आम ऐलान कर दिया कि हम यजीद को अपना बादशाह मानने से इनकार करते हैं। ये खबर जैसे ही यजीद को पहुंची तो उसने शाम की तरफ एक बड़ी फौज को हुक्म दिया कि जाओ और मदीना वालों पर हमला बोलो, लेकिन पहले 3 दिनों तक उन्हें समझाना, अगर वो अपनी हरकत से बाज आ जाते हैं तो ठीक, वरना उन पर हमला करके सभी को ख़त्म कर देना। और एक बात का ख्याल रखना कि हजरत हुसैन के लड़के ज़ैनुल आबिदीन को कुछ भी ना कहना, अगर वो बात ना माने तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना। ये पूरी 12,000 की फौज थी। जब ये लोग मदीना पहुंचे तो बड़े बड़े सहाबा इकराम को मजबूर किया कि वो यजीद को अपना खलीफा मान ले, लेकिन सब ने साफ इनकार कर दिया। तो यजीद की इस फौज ने मदीना वालों पर हमला करके उनके घरों को लूटना शुरू कर दिया, उनकी औरतों को बेपर्दा करके मैदान में लाखड़ा किया और बड़े बड़े सहाबा इकराम की गर्दनें काट कर उन्हें शहीद कर दिया। इस वाक्य को वाक्य हर्रा कहा जाता है। तारीख की हर किताब में जालिम यजीद की हुकूमत का ये वाकया लिखा हुआ है। यहाँ तक कि बुखारी और मुस्लिम जैसी बड़ी बड़ी हदीस की किताबों में भी वाकये हर्रा की दर्दनाक दास्तान मुख्तसर तौर पर जिक्र की गई है। इस जंग में यजीद की फौज ने बहुत ही बेदर्दी के साथ बड़े बड़े सहाबा इकराम को शहीद किया। यहाँ तक कि एक रिवायत के मुताबिक पूरे 10,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था, जिनमें कुछ ऐसे सहाबा इकराम भी थे कि जिन्होंने जंगे बदर जैसी अजीम जंगों में हिस्सा लिया था। जालिम यजीद की फौज ने उन बूढ़े सहाबा इकराम को भी ना छोड़ा और उनका पाकीज़ा खून गर्दनें काट कर सड़कों पर बहा दिया। इसी जंग में एक मशहूर सहाबी हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद कर दिए गए। यजीद की फौज ने इतना खून बहाया कि एक रावी लिखते हैं कि सड़कों पर सहाबा इकराम का ऐसा खून बह रहा था कि कदम रखने की भी जगह नहीं मौजूद थी। हाफिज़ इब्ने कुतैबा अपनी एक किताब में लिखते हैं कि यजीद के लश्कर का एक फौजी किसी बड़े सहाबी के घर में घुस गया और तलवार लहराते हुए औरतों से कहने लगा कि घर में जो कुछ भी सामान है वो मेरे हवाले कर दो। तो घर की उन पाकीज़ा औरतों ने जवाब दिया कि घर का सारा सामान तुम्हारे दूसरे सिपाही लूट कर ले जा चुके हैं। ये सुनकर उस सिपाही ने घर के एक दूध पीते बच्चे को गर्दन पकड़कर उठाया और बहुत तेज़ दीवार पर दे मारा कि जिससे उस लड़के का सर फट गया और उसकी मौत हो गई। ये जंग इतनी दर्दनाक थी कि 3 दिनों तक मदीना की मस्जिद में नमाज ना हुई। यहाँ तक कि लिखने वालों ने यह भी लिखा है कि यजीद की इस जालिम फौज ने अपने घोड़े मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास लाकर बांधे और रसूल के मिंबर की बहुत बेहुरमती की। आखिर इस जंग के बाद जब यजीदी लश्कर मदीना छोड़कर वापस गया तो मदीना के हर घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। बड़े बड़े सहाबा इकराम शहीद हो चुके थे और जो बचे भी थे उन्हें ज़बरदस्ती यजीद को बादशाह मानने पर मजबूर किया गया था। इस वाक्य के कुछ ही दिनों बाद यजीद पर अल्लाह का अजाब आ गया और फिर वो ऐसा बीमार पड़ा कि बिस्तर से उठने के लायक भी ना बचा। उसके पेट में एक दर्द उठा और फिर उसकी आंतें सड़ने लगी। वो बिस्तर पर ऐसे तड़पता था कि जैसे पानी के बाहर मछली तड़पती हो। आंतों के सड़ने की वजह से वो रात रात भर अपने बिस्तर पर चीखता रहता। यजीद के इलाज के लिए बड़े बड़े हाकिमों डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन सभी नाकाम रहे क्योंकि यह उस जालिम पर अल्लाह का अजाब आ गया था। उसे अब कोई टाल नहीं सकता। उस बीमारी में उसे बहुत प्यास लगती, लेकिन अगर वो पानी पीता तो अंदर जाकर वो आग की तरह खोलने लगता और ऐसा महसूस होता जैसे सीने में पिघला हुआ शीशा डाल दिया गया हो, और अगर पानी ना पीता तो प्यास से बुरा हाल हो जाता क्योंकि इसी जालिम ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को करबला में प्यास से तड़पा तड़पा कर शहीद कर दिया था। आज उसी के बदले अल्लाह ने उसे ऐसी इबरतनाक सजा दी कि वो दुनिया के लिए इबरत बन गया। आखिर इसी बीमारी में तड़प तड़प कर जालिम यजीद की 15 रबीउल अव्वल सन 63 हिजरी में मौत हो गई। जब उसके दरबारी उसकी लाश के करीब आए तो उससे ऐसी बदबू आ रही थी कि सभी दूर भाग गए। कोई उसे दफन करने के लिए तैयार नहीं था। पूरे महल में लाश की बदबू फैल रही थी। हर एक परेशान था। आखिर किसी तरह चेहरे पर पट्टियां बांधकर जालिम यजीद को मकामे हुरैन में दफन कर दिया गया। लेकिन उसके कुछ सालों के बाद जब अब्बासी हुकूमत बनी तो उनके खलीफा ने यजीद की कब्र खोदकर जब उसकी लाश बाहर निकाली तो उसे देखकर सभी कांप गए। लाश देखकर ऐसा लगता था जैसे उसके चेहरे को लोहे से पीटा गया हो। उसके सारे जिस्म पर जहरीले कीड़े रेंग रहे थे और एक अजीब तरह की बदबू हर तरफ फैल रही थी।
ये देखकर खलीफा मंसूर ने यजीद की लाश को इबरत के लिए सूली पर लटका दिया ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि जो भी अहले बैत को तकलीफ पहुंचाएगा अल्लाह उसका ऐसा ही तो बुरा अंजाम फरमाएगा। ये तमारा रिएक्शन जो हमने देखा कि यजीद का कितना दर्दनाक अंजाम हुआ और वो इसी के लायक भी था, उसी का हकदार था वो कि जो अहले बैत से नफरत करे उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अहले बैत से जो मोहब्बत करेगा इंशाल्लाह अल्लाह भी उससे मोहब्बत करेगा, अल्लाह के रसूल भी उससे मोहब्बत करेंगे और हमारी दुनिया भी सुधर जाएगी, हमारी आखिरत भी इंशाल्लाह सुधर जाएगी, संवर जाएगी। तो ये थी वीडियो जो हमने देखा जिसका बुरा अंजाम, कीड़े मकोड़े पड़ गए उसको बदबूदार और इबरत का निशान के लिए उसको टांग दिया गया ताकि लोग इससे देखें और इससे इबरतें कि आले बैत से मोहब्बत करनी ना कि उनसे नफरत करनी है। यजीद तो काफिर था ही उसने शहीद किया तमाम लोगों को, आले बैत को, तमाम हुसैन को, तमाम लोगों को। ये थी कुछ जानकारी वीडियो जरिए से जो हमने देखा, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर किया करिए। वीडियो इस तरह के बनाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम जाता है, तो हमारी मेहनत को ज़ाया मत जाने दिया करिए। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किया करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करिए ताकि उसका बेनिफिट हमें मिले, और लाइक भी किया करिए और कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर बताया करिए। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।